हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा ड्राइंग वीमेंस डे स्पेशल होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने लाइन आउट ड्राइंग निकाल के लिया है। तो ये जो टॉपिक अभी वीमेंस डे है, तो मैं यहाँ पे नारी शक्ति ये टॉपिक लेने वाली हूँ। और इसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है? तो चलते हैं ड्राइंग की तरफ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर हम अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पे ऐसे बताना है कि एक स्त्री का फेस है, उसके पीछे हम देवी का एक फेस दिखाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अभी येलो कलर से फिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्रोम येलो कलर फिल किया है। लाइटर पार्ट है तो यहाँ पर मैं लाइट फिल कर रही हूँ, वही कलर से। आपको प्रेशर नहीं देना है, ठीक है? अब आपको ऑरेंज कलर लेना है और डार्क एरियाज पे आपको ऑरेंज देना है। अभी आपको स्मजिंग करनी है कॉटन बर्ड से। ऑरेंज पेंसिल से मैं थोड़ी डिटेल्स कर रही हूँ। स्मॉलर एरिया है तो वहाँ पे कलर्स से पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ऑरेंज कलर से डार्कर एरियाज को फिल कर रही हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आईब्रोज को ब्राउन कलर से फिल किया है, क्योंकि डायरेक्टली हमें ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है। एक बेस कलर हमें देना है, जैसे कि हमने फेस पे येलो दिया था वैसे ही हमें यहाँ पे ब्राउन देना है वापस, इसके ऊपर हमें ब्लैक से करना है। ऐसे ही अभी हम आईज के यहाँ पे भी ब्लैक आउटलाइन करके लेते हैं। जो डार्कर पार्ट है वो ब्लैक कम्प्लीटली करके लेना है। अगेन मैं यहाँ पे येलो कलर थोड़ा यूज़ कर रही हूँ आईज के अंदर, ठीक है? और आईज के नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे शेडो रहती है, थोड़ी डार्कनेस रहता है, तो थोड़ा ऑरेंज कलर दिया है। इसके यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर से आउटलाइन करके ली है ब्राउन पेंसिल से, ठीक है? और थोड़े डार्क एरियाज जो है उसे भी मैंने ब्राउन से किया है, और अंदर की तरफ मैंने ब्लैक आउटलाइन की है। तो यहाँ पर अभी ब्राउन कलर से करना है आपको। यहाँ पर मैं रेड पेंसिल से कर रही हूँ, क्योंकि जो स्मॉल डिटेल्स है वहाँ पे मैं पेंसिल्स यूज़ करती हूँ।
तो आते हैं सिंदूर वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेड लिया है, डार्क रेड लेना है आपको, यहाँ पूरा रेड से फिल करना है। ठीक है, तो अभी आते हैं हेयर के पार्ट में। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर से फिल किया है, तो यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन लिया है और इसके ऊपर अभी मैं ब्लैक से कर रही हूँ और इसे हम कॉटन बर्ड से स्मर्ज करके लेंगे। चलते लिप्स के यहाँ पे, तो लिप्स के लिए मैंने बेस कलर ऑरेंज कलर फिल करके लिया है। ये मैं पेंसिल से कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिटेल्स हैं। और अभी मैंने रेड कलर यूज़ किया है, तो रेड से मैं भी डार्कर पार्ट्स को एनहेंस कर रही हूँ। तो देखते चलिए आप कैसे हो रहा है ये। अभी ब्राउन कलर से मैं और डार्कर एरियाज को स्टेप बाय स्टेप एनहेंस करते जाऊंगी और लास्ट में हम लेंगे ब्लैक कलर से आउटलाइन करके लेंगे। यहाँ पर वाइट सेक्शन आपको छोड़ना है लिप्स की। यहाँ पे लाइट गिरती है तो हाईलाइट का पार्ट है, इससे आपके लिप्स और बाकी सभी स्ट्रक्चर्स रियलिस्टिक लिखेंगे। मेन हैंड्स की तरफ, तो यहाँ पर हमें जो हैंड्स दिखाने हैं ब्लू कलर में दिखाने हैं, तो उसमें मैंने पिंक कलर का हाईलाइट सेक्शन लिया है। ठीक है, तो पिंक और पर्शियन ब्लू ये हमें अभी करते जाना है, पूरा फिल करते जाना है। ठीक है, फिल हो होने के बाद इसे हमें कॉटन बर्ड से स्मर्ज करके लेना है। अभी मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया है और जहाँ पे हाईलाइट का पोर्शन है वहाँ पे मैं वाइट देते जा रही हूँ। ठीक है, तो एक साइड ही आपको लेना है, एक साइड डार्क पोर्शन है, एक साइड लाइट पोर्शन है, ये आप पहले से फिक्स करके लीजिए। डिटेलिंग का पार्ट, यहाँ पर मैंने ब्लैक पेंसिल ली है। ठीक है, तो ब्लैक पेंसिल से मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स करते जाऊँगी, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको पेंसिल से यूज करनी है। तो ये पेंसिल आप कौन सी है इसका मैं एक वीडियो आपको अपकमिंग सेशन में लेके आऊँगी। मैंने मरून कलर लिया है, तो ये जो कलर है ये आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल में आता है। और अगर आपको आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल का पूरा वीडियो देखना है, उसके रिव्यू देखने हैं, तो प्लीज़ मेरे आई बटन में मैंने लिंक दी है, उस पर विजिट ज़रूर कीजिए।
अभी मेन पार्ट पे हम आते हैं। यहाँ पर हम दुर्गा माँ या देवी आप बोल सकते हैं, उसमें फेस कलरिंग के पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में पिंक कलर दिया है क्योंकि लाइटर सेक्शन है वहाँ पे, ठीक है। पिंक के बाद मैंने यहाँ पे पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ किया है क्योंकि मुझे पूरी फेस का कलरिंग पर्शियन ब्लू से ही दिखाना है, इसलिए मैंने हैंड्स का भी वही रखा है, पूरा बॉडी का कलर वही रखना है हमें। वाइट कलर लिया है जो फेस के हाईलाइट पोर्शन है वहाँ पे मैं वाइट मिक्स कर रही हूँ। तो सेम यहाँ पे हेयर का कलर करेंगे हम। अभी मैंने वही डार्क ब्राउन कलर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेयर करते समय ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्लू का कलर में थोड़ा मिक्स करने जाऊंगी। जो ब्लू हमने फेस पे यूज़ किया था पर्शियन ब्लू, वही ब्लू हमें थोड़ा सा हेयर पे भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू यूज़ किया है अभी। ज्वेलरी की तरफ मैंने गोल्डन स्पार्कल पेन दिया है। फर्स्ट मैंने बेस पे येलो पेंसिल से फिल करके लिया है क्योंकि मुझे एक बेस कलर चाहिए, हर एक इसमें बेस कलर फिल करके आपको लेना ही है, ये मस्ट है। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे स्पार्कल से डिटेल्स करते जाएंगे। पर डिटेल करने के लिए मैंने रेड स्केच पेन का यूज़ किया है कि रेड पेंसिल्स इसके ऊपर वर्क नहीं होंगी क्योंकि हमने स्पार्कल पेन यूज़ किया है, स्पार्कल पेन पे पेंसिल्स नहीं होंगी वर्क। यहाँ पर रेड स्केच पेन से आप डिटेल कर सकते हो। नेक्स्ट अभी आता है हेयर के पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने ब्लू वापस फिल करके लिया है, उसके ऊपर मैं अभी ब्लैक से कर रही हूँ। तो ब्लू वाला पार्ट जो है मैं छोड़ के ब्लैक फिल कर रही हूँ और हल्का हल्का उस पर ब्लैक भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कॉटन बर्ड से अभी स्मच किया है। तो यहाँ पर रेड कर रही हूँ मैं, फ्लावर का पार्ट दिखाना है, ये सब फ्लावर्स है। तो यहाँ पर मैं रेड करके ले रही हूँ कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक से इसे डिटेलिंग की है ब्लैक पेंसिल से। अभी हम कलर करेंगे तो बैकग्राउंड में मैंने ब्लू और ब्लैक ऐसे मर्ज करना है आपको कलर, क्योंकि फेस के यहाँ पे पूरा ब्लैक नहीं आएगा, फेस के यहाँ पे थोड़ा लाइट ही आएगा। दोनों साइड में मैं ब्लू करके ले रही हूँ। इसके बाद आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो। फाइनली हमारा यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये ड्राइंग कैसे लगा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। यही एक नारी शक्ति का ड्राइंग आर्टवर्क हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो आपको ये ड्राइंग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही नए और क्रिएटिव ड्राइंग्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के साथ नए टॉपिक लेकर। टिल देन बाय।